अरे यार, मैं सिद्धू मूसेवाला आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। यार आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, मेरे पास काफ़ी सारे कार्स का कलेक्शन है, आपको तो पता ही है। ये मेरा प्यारा हवेली है, आप लोगों ने देखा ही होगा। चलो मैं बाहर से भी काफ़ी अच्छा लुक दिखा भी देता हूँ। मेरा काफ़ी बड़ा हवेली है, हवेली में काफ़ी सारे कार्स का कलेक्शन मैंने रखा है, तो सारी कार्स भी दिखाऊंगा। ये देखो मेरी कितनी बड़ी हवेली है, आपको तो पता ही होगा। जो हम लोगों की वीडियो पुराने देखते होंगे उनको तो पता ही होगा मेरे पास काफ़ी सारे कार्स का कलेक्शन भी है। लेकिन यार मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रैक्टर है जो कि नाटी 11 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ट्रैक्टर नाटी 11 है, काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रैक्टर है। इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा पैसे दे के मॉडिफाई भी कराया है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने दो ट्रैक्टर और बनवाई है। यार जी हाँ, मेरे पास बहुत सारी कार्स है लेकिन ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए मैंने आज दो ट्रैक्टर और मंगवाई है। फटाफट से उसको भाई डिलीवरी कराना है, इसलिए मैंने फ्रैंकलिन को कॉल करके तो बोलना पड़ेगा ना कि वो फटाफट से हवेली पे वो दोनों ट्रैक्टर लेते आए। चलो मैं फ्रैंकलिन को कॉल करके बुला लेता हूँ। चलो भाई साहब फटाफट से, पहले भाई मेरे को जूस पीना है, मेरा रेड कलर वाला जूस। मैं जब भी पीता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा गाइजर, उससे मेरे को स्टैमिना मिलता है और मैं काफ़ी जल्दी जल्दी सारे काम कर देता हूँ। तो चलो यार फटाफट से पहले मैं वो वाला जूस पी लेता हूँ और उसके बाद हम लोग गाइजर काफ़ी सारा काम करेंगे, काफ़ी टेस्टी होता है, आप भी पी लेना। अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए ऑर्डर कर दूंगा। वैसे मैंने गाइजर पिज्ज़ा मंगाया था, बट भाई साहब ये पिज्ज़ा भाई किसी ने खा लिया, ये सिंचन और चॉप का काम होगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइस इसने छोड़ा है। तो भाई एक स्लाइस में क्या पेट भरेगा, छोड़ो नहीं खाते हैं। चलते हैं गाइजर नीचे की ओर। और मौसम भाई देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा धूप वाला मौसम है आज के दिनों में, भाई काफ़ी तगड़ी वाली गर्मी पड़ रही है, आपको तो पता ही होगा। और भाई सिंचन और चौप पता नहीं क्या करते रहते हैं भाई, सुबह सुबह का टाइम है और इतनी तेज़ धूप आ गई है ना कि भाई क्या भाई, पता नहीं सुबह सुबह सिंचन स्विमिंग पूल में कुछ कर रहा था बट यार मेरे को अभी तक पता नहीं चला। अबे ये रहा, अबे सिंचन यार तूने स्विमिंग पूल में कुछ कर रहा था ना सुबह सुबह? अरे फ्रैंकी भैया पानी निकाल रहा था। अबे तूने पानी क्यों निकाल रहा था? अरे फ्रैंकी भैया मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है पानी के अंदर, तो जाके देखो। अबे क्या बात कर रहा है, पानी के अंदर क्या होगा? अरे फ्रैंकी भैया जाके तो देखो। अबे रुक जा भाई, जाके देखना पड़ेगा, पता नहीं यार इसने स्विमिंग, ओ भाई ये क्या चीज है भाई, इतना बड़ा पत्थर स्विमिंग पूल में कौन रख गया? अरे फ्रैंकी भैया मैंने ही रखवाया है। अबे भाई ये पत्थर क्या करेगा स्विमिंग पूल में रख के? अरे फ्रैंकी भैया ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये गलता क्यों नहीं है? अबे ये गलेगा थोड़ी, ये पत्थर भाई गलते थोड़ी है, मिट्टी थोड़ी है जो घुल जाएगी पानी में। अरे फ्रैंकी भैया ये पत्थर घुलती क्यों नहीं है? अबे तू पागल वागल है क्या, जल्दी से इसको निकलवा बाहर भाई, क्या तू भी बकायती करते रहता है। सिंचन का भी दिमाग गाइजर क्या ही बोलूं, बच्चों का जा रहा है भाई। अरे फ्रैंकी भैया 5 साल का हूँ तो बच्चों की तरह ही रहेगा ना। अबे भाई सही बोलता हूँ मैं, तू पागल वाली हरकत करता भी है। तो गाइजर क्या ही बोलूं इसको, मेरे को भाई गुस्सा भी आता है कभी कभी इस पे काफी ज्यादा। चल कोई बात नहीं यार, फटाफट से चलते हैं बाहर, कहीं घूम फिर के आते हैं। मौसम तो भाई कोई भाई रोज का रोज ऐसा ही गर्मी वाला कर रहा है, तो भाई कोई टेंशन वाली बात। अभी ये किसका कॉल आ रहा है? अरे फ्रैंकी भैया किसका है यार? अबे ये तो सिद्धू मूसेवाला का कॉल है। अरे फ्रैंकी भैया क्या बात कर रहे हो, सिद्धू मूसेवाला जी ने हम लोगों को कॉल किया है? अबे हाँ है, कोई काम होगा भाई, जल्दी से जल्दी उठा लेता हूँ, ये काफी ज्यादा पैसे वैसे भी देते हैं हम लोगों को। अरे तो फ्रैंकी भैया सोच क्या रहे हो, फटाफट से कॉल को रिसीव करो और उनसे बात करो। अबे हाँ है, फटाफट से कॉल को रिसीव करता हूँ और फटाफट से उनसे बात कर लेता हूँ। हेलो सिद्धू मूसेवाला जी, क्या हाल चाल है, आपकी हवेली में सब बढ़िया है ना? अरे फ्रैंकलिन हवेली में सब बढ़िया है, सब चंगा है, बल्ले बल्ले है। अबे हाँ यार सब बल्ले बल्ले होगा, चलो बढ़िया वाली बात है। अभी कोई काम था क्या आपको मेरे से, कोई अर्जेंट काम है आपने मेरे को कॉल किया है? अरे हाँ यार फ्रैंकलिन क्या बताऊँ, बल्ले बल्ले करके तुमको तो पता ही है, तुमने ही मेरी नाटी 11 ट्रैक्टर डिलीवर कराई है ना। अबे हाँ यार उसमें कोई खराबी वराबी तो नहीं आ गई? अरे नहीं फ्रैंकलिन खराबी तो नहीं आई है, लेकिन एक भाई साहब तुमसे काम ये है कि मैंने दो ट्रैक्टर और भाई साहब बनवाई है। अबे क्या बात कर रहे हो, बनवाया है आपने कहाँ पे?
अरे यार वो कंपनी नहीं है, पता नहीं कौन सी कंपनी है, मैं तुमको उसका लोकेशन भेज देता हूँ, वहाँ जाके दो ट्रैक्टर लेके आ जा मेरे हवेली तक। अबे क्या बात कर रहे हो, दो दो ट्रैक्टर? अरे हाँ फ्रैंकलिन, काफी तगड़े तगड़े हैं, जाके लेके आओ हमारे हवेली पे, उसके बाद मैं तुमको पैसे दे दूंगा। अबे चलो यार मैं फटाफट से लेके आता हूँ। चल यार सिंचन, यार सिद्धू मूसे वाला जी ने दो दो ट्रैक्टर भाई साहब नई नई मंगवाई है। अरे फ्रैंकी भैया क्या बात कर रहे हो, कौन सी कौन सी? अबे भाई मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है भाई, उन्होंने बोला कि भाई अभी मैंने दो दो ट्रैक्टर भाई साहब बनवाई है, तो जाके गाइस यार देखना पड़ेगा कि सिद्धू मूसे वाला जी ने कौन कौन सी ट्रैक्टर बनवाई है। मेरे को गाइस यार कोई आइडिया नहीं है, बट उन्होंने बोला है कि भाई अबे कहाँ जा रहा है? अरे फ्रैंकी भैया रुको तो। अबे भाई पागल वागल है क्या, इधर गेट खोल के रखा था मैंने और तू पीछे वाले गेट से बैठ रहा है, तू भी जाए दिमाग खराब कर देता है सिंचन। अरे फ्रैंकी भैया गुस्सा क्यों होते हो, चलो फटाफट से उस वाले लोकेशन पे। अबे हाँ यार सिद्धू मूसे वाला जी ने एक लोकेशन भेजा है, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि दोनों ट्रैक्टर उधर ही से मिलेगी, तो चलो गाइस यार फटाफट से दोनों ट्रैक्टर लेंगे और उसके बाद गाइस यार फटाफट से हम लोग हवेली पे जाएंगे। एंड गाइस यार हम लोगों ने अगर आप लोगों ने हम लोगों ने अरे फ्रैंकी भैया हम लोगों ने आप लोगों ने क्या बनाए रखे हो ये सब? अबे तू बकैती मत कर, चुपचाप बैठा रह, आजकल तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। अरे फ्रैंकी भैया आप कुछ ज्यादा बोलने लगे हो। अबे भाई बाप पता नहीं यार सिंचन कुछ ज्यादा बोलता है, आपको तो पता ही होगा। तो गाइस यार अभी हम लोग आ चुके हैं भाई उस वाले लोकेशन पे, इधर ही का लोकेशन था ना? अरे हाँ फ्रैंकी भैया। अबे हाँ यार इधर ही का लोकेशन था, चलो गाइस यार जाके देखते हैं कि भाई सा, ओ भाई भाई टूटने से बच गया, चलो यार ओपन हो गया, इधर ही जाना पड़ता है ना। अरे फ्रैंकी भैया इधर ही कहीं होगा ना? अबे लोकेशन तो इधर ही है, डिलीवरीज भी लिखा है यहाँ पे। ओके गाइस यार देखते हैं फटाफट से आगे चलते हैं भाई साहब, देखते हैं क्या क्या होता है। अरे फ्रैंकी भैया यार बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पे तो। अबे हाँ यार काफी सारे चीजें हैं भाई साहब यहाँ पे बहुत सारा। ये देखो भाई पता नहीं कहाँ पे ट्रैक्टर होगा, यहाँ पे एक शटर है, इसको ओपन करूँ क्या? अरे हाँ फ्रैंकी भैया। अबे ये शटर ओपन हो गई लेकिन दोनों में से कुछ समझ नहीं आ रहा है, दोनों में कुछ भी नहीं है। अरे फ्रैंकी भैया वो सामने जा रही थी उधर चलते हैं। अबे हाँ यार एक और रास्ता उधर जा रहा था, उधर जाके देखते हैं, बट यार यहाँ पे कुछ अलग ही फैक्ट्री लग रही है सिंचर। अरे हाँ फ्रैंकी भैया अरे ये देखो। अबे हाँ यार इधर ही गाड़िया का कलेक्शन है, मतलब कि इधर ही गाड़िया बनती बनती है, ह्यूमन नाम का भाई साहब बोर्ड लगा है। चलो गाइस यार आगे जाके देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कार्स का कलेक्शन है। अबे यहाँ पे हिरन दौड़ रहा है ये देख। अरे फ्रैंकी भैया ये अंदर कहाँ से आ गए? अबे लगता है ये भाई गलती से उछल उछल के आ गए होंगे, बट यार ये अंदर क्या कर रहा है, दोनों हम लोगों से डर के भाग। अबे वो अटक गया क्या सिंचन? अरे हाँ फ्रैंकी भैया। अबे ये यहाँ पे अटक गया है भाई, ये कैसे निकलेगा? अबे निकल जा हाँ गाइस यार निकल गया और ये भाग भी गया। अबे ये पीछे से एक और आ गया भाई, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं इतने सारे? अरे फ्रैंकी भैया ये एक दूसरे को लड़ रहे हैं क्या? अबे पता नहीं ये क्या कर रहा है, छोड़ इनकी बात। और यहाँ पे दो शटर है, इसमें जाके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रैक्टर, ओ भाई ये रहे ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर दिख गया। ओ भाई सिंचन दो दो ट्रैक्टर इधर ही है, इस बंदे से मेरे को बात करनी पड़ेगी। गाइस यार ये ट्रैक्टर वही है क्या? ये तो गाइस यार खतरनाक वाला भाई डीजे ट्रैक्टर लग रहा है, और वो दूसरा वाला भी काफी ज्यादा बेटर है। हेलो भाई साहब मैं सिद्धू मूसे वाला की ट्रैक्टर लेने आया हूँ, जो कि हवेली से हम लोगों ने उन्होंने मेरे को भेजा है। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा फ्रैंकलिन नाम है ना? अबे हाँ यार मेरा ही फ्रैंकलिन नाम है, सिद्धू मूसे वाला जी ने कॉल किया था क्या? अरे हाँ उन्होंने बोला था कि एक फ्रैंकलिन नाम का बंदा आएगा, उसी को दोनों ट्रैक्टर डिलीवर करनी है। अबे हाँ यार मैं ही फ्रैंकलिन हूँ, उन्होंने बोला है कि दोनों ट्रैक्टर हवेली में लेके जाने के लिए। अरे हाँ तो फटाफट से एक काम करो, दोनों के दोनों ले जाओ। अबे चलो गाइस यार यहाँ पे दोनों ट्रैक्टर मिल चुकी है, तो गाइस यार ये वाली भी ट्रैक्टर काफी ज्यादा बढ़िया है, इसके चक्के वाइज यार देखो एलॉय व्हील इतने बड़े बड़े। सिंचन बाहर आ जा। ओ भाई साहब ये काफी धुएं फेंक रही है, मतलब ये ट्रैक्टर हेवी ट्रैक्टर होती है और मॉडिफाइड ट्रैक्टर है। यहाँ पे पता नहीं ये बनता है या क्या होता है, मेरे को गाइस यार आइडिया नहीं है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ये ट्रैक्टर व्हाइट कलर की और गाइस यार ब्लू कलर की है, और आगे से कुछ लिखा भी है। मेरे को तो गाइस यार काफी ज्यादा बेटर लग रहा है सिंचर। अरे हाँ फ्रैंकी भैया मेरे को भी अच्छा लग रहा है। अबे हाँ यार तेरे को भी अच्छा लग रहा है, मेरे को भी गाइस यार अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से गाइस यार इसको मॉडिफाई किया गया है, और यहाँ पे भाई साहब देख सकते हो भाई इसमें भाई बड़े बड़े भाई स्पीकर्स वगैरह लगाए हैं, बिलोंग्स टू पंजाब लिखा है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा बढ़िया है। चलते हैं गाइस यार अंदर देखते हैं अंदर क्या क्या चीजें हैं, और मतलब कि एक और ट्रैक्टर को निकालते हैं। और ये देखो गाइस यार ये ट्रैक्टर काफी ज्यादा हेवी लग रही है, इसके पीछे भाई देख रहे हो आप लोग। अरे फ्रैंकी भैया बहुत ही खतरनाक लाइट भी जल रही है। अबे ये क्या हो रहा था भाई,
ये तो भाई डीजे जैसी उड़ फुड़ रही है। अरे हाँ फ्रेंकी भैया। अबे ये देख गाइस यार, ये तो काफी ज्यादा लाजवाब है यार, मेरे को ये वाला सच में बहुत अच्छा लगा। गाइस यार यहाँ पे आप लोग देखो, ये देखो गाइस यार क्या खतरनाक वाला, ये तो स्टंट देने वाला काम कर रहा है। आप लोग गाइस यार बताना कमेंट में कि ये कैसा लगा ये दोनों ट्रैक्टर, और दोनों में से कौन सा बढ़िया है। पता नहीं सिद्धू मूसे वाला जी ने दोनों को मंगाया है, तो दोनों को ले जाना पड़ेगा हम लोगों को गाइस यार उनके। अबे क्या कर रहा है, नीचे क्यों आ गया सिंचन? अरे फ्रेंकी भैया मेरे पे चढ़ा दिया आपने। अबे मेरे पे तेरे पे क्या बकायती करते रहता है, ये हिरन तो अलग ही दौड़ रहा है, इनको भगाना पड़ेगा भाई। पता नहीं ये इधर भाई अटक गए, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, इनको तो वाट लगा डालूंगा। सिंचन जल्दी आजा, बैठ गया क्या? अरे हाँ फ्रेंकी भैया। अबे मैं सोच रहा हूँ ना इसको हुक करके ले जाइए, आगे वाला चोबर लिखा है भाई। अरे फ्रेंकी भैया चलो चलो। अबे हाँ यार, तो चलो फटाफट से। ये देखो गाजर यहाँ पे लोगो है लिखा है भैया कुछ, और यहाँ पे गाजर ये वाली ट्रैक्टर पे। सिंचन तू एक काम करना, उसको स्टार्ट मत करना, हम लोग गाजर हुक करके ले जाएंगे, जिससे गाजर तेल भी बचेगी काफी ज्यादा। अरे हाँ फ्रेंकी भैया ये तो सही बात है। अबे हाँ यार ये तो सही बात है, चलो गाजर ये हुक करके जा रही है, बट यार काफी स्लो चल रही है ना सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भैया इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा हवेली तक पहुंचने में। अबे हाँ इससे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा हवेली तक पहुंचने में, कुछ ना कुछ आइडिया अपनाना पड़ेगा, क्या करे सिंचन? अरे ऐसे इसलिए चलो और क्या। अबे यार ऐसे ले जाएंगे तो कोई भाई टेंशन नहीं है, बट यार क्या कर सकते हैं। चलो गाइस कैसे भी करके इसको हवेली तक पहुंचाना भी है यार, सिंचन को तो ट्रैक्टर चलाने आती भी नहीं है। अरे फ्रेंकी भी आती है यार। अबे नहीं यार तेरे को ट्रैक्टर चलाने आती नहीं है, मैंने आज तक तेरे को ट्रैक्टर चलाने तक दिया भी नहीं और देखा भी नहीं है, तू कैसे चला लेगा भाई? ऐसे तो होने से रहा, मेरे को लगता है भाई इस वाले ट्रैक्टर को पीछे रखना चाहिए, और जो भाई सिंचन तू बैठा है ना उसको आगे ले जाके इसको हुक करना चाहिए। अरे हाँ फ्रेंकी भी एक बार ट्राई करो। अबे हाँ यार एक बार ट्राई करते हैं, इस वाले जो जिस पे तू बैठा है उसको भाई साहब आगे ले जाते हैं, और भाई साहब वो जो आगे वाली ट्रैक्टर है उसको गाइस यार हुक करते हैं, मतलब कि भाई इससे कनेक्ट करके खींचते हैं, देखते हैं गाइस यार ये खींच पाती है कि नहीं। मतलब यार रेड वाली जो ट्रैक्टर है ना वो काफी ज्यादा हेवी लग रही है, बट यार ये ब्लू वाली से ट्राई करेंगे ये उसको खींच पाती है या नहीं। इसको मैंने कनेक्ट कर रहा है भाई, कनेक्ट हो जाए, क्या कर रहा है? तो गाइस यार यहाँ पे कनेक्ट हो गई है, चल भाई खींच रहा हूँ। अरे फ्रेंकी भैया ये कहाँ जा रही है वो देखो। अबे ये तो भाई कुछ अलग ही रॉन्ग है भाई, अलग ही लेवल की चल रही है, ये दूसरी दिशा में जा रही है। गाइस यार ये तो ऐसा होने से रहा, मैं इसको नहीं ले जा पाऊंगा सिंचन ऐसे। अरे फ्रेंकी भैया मैं बोल रहा हूँ मेरे को चलाने दे दो। अबे यार तू चला तो लेगा ना, मेरे को यही डर लग रहा है कि तू ठोक वोक मत देना भाई, नया नया ट्रैक्टर है। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको भाई सब चला के ले जाता हूँ भाई, ये मैं रेड वाली ले जाऊंगा, तू चला लेगा ना भाई? देख ले यार मेरे को भाई डर भी लग रहा है। अरे नहीं फ्रेंकी भैया मैं चला लूंगा, आप टेंशन क्यों लेते हो? अबे हाँ यार टेंशन लेने वाली बात ही हो रही है यार, ये वाली ट्रैक्टर भाई देख सकते हो आप लोग कैसी है, बट यार सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, काफी ज्यादा बेहतरीन है, एक बार और ट्राई करूँ क्या? अरे नहीं फ्रेंकी भैया आप दिमाग ज्यादा मत लगाओ, मेरे को ट्रैक्टर चलाने को दे दो। अबे तू ट्रैक्टर चला लेगा? अरे हाँ फ्रेंकी भैया। चल गाइजर सिंचन अब बोल रहा है तो गाइजर उसको ट्रैक्टर चलाने को ले दे देते हैं, बोलते हैं कि वो भाई मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे आएगा, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनेगा। तो चलो यार मैं इस वाले ट्रैक्टर को ले जाऊंगा, और सिंचन भाई फटाफट से उस ब्लू वाले ट्रैक्टर पे बैठ जा, और भाई ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि भाई ये ट्रैक्टर भाई इधर उधर काफी ज्यादा भागते हैं, ये छोटी मोटी कार मत समझ के इधर उधर भाई स्टेयरिंग घुमाने लगना। अरे ठीक है फ्रेंकी भैया आप टेंशन न लो। अबे हाँ यार भाई टेंशन लेने वाली बात ही है, तो ये देख सकते तो ये वाली ट्रैक्टर ब्लू वाली सिंचन ले जाएगा, और गाइस यार मैं रेड वाली ले जाऊंगा, तो कोई अब टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलो गाइस यार फटाफट से चलते हैं अपनी अपनी ट्रैक्टर लेके, आजा बैठ जा तू भी। अरे हाँ फ्रेंकी भैया मैं जा रहा हूँ उस वाले ट्रैक्टर पे। अबे हाँ यार तू उस वाले ट्रैक्टर पे बैठ जा, मैं इस वाले ट्रैक्टर पे बैठ जाता हूँ। तो चलो गाइस यार वो सिंचन उस वाले ट्रैक्टर पे बैठ गया और मैं इस वाले, तो चल सिंचन धीरे धीरे चलाना। अरे फ्रेंकी भैया अब टेंशन क्यों ले रहे हो? अबे यार टेंशन लेने वाली बात ही कर रहा है तू, चलो गाइस यार मेरे को भाई धक धक हो रहा है, ये कहीं लड़ा मत। ओ भाई मैं लड़ाने से बचा, मैं क्या कर रहा हूँ सिंचन देख रहा है? अरे फ्रेंकी भैया आप मेरे को बोल रहे थे और आप वही करते हो। अबे नहीं यार चलो। ओ भाई वो देखो वो भाई उल्टा भाई साइड से ले जा रहा है भाई, वो तोड़ेगा तू, मेरे को लग रहा है भाई। ये देखो गाइस यार उसने तोड़ ही दिया। अरे फ्रेंकी भैया इतने छोटे मोटे काम होते करते रहे। अबे होते कैसे करते कैसे होते है भाई,
चलो गाइस यार कोई बात नहीं, चलते हैं फटाफट से अब हवेली की ओर निकलते हैं। गाइस देख सकते हो मैं अपने ट्रैक्टर लेके जा रहा हूँ। सिंचन गाइस यार पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहा है, सही ढंग से चला रहा है। मेरे को तो लग रहा है भाई कहीं ठोक मत दे, बट यार वो सही से चला रहा है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस यार ये देख सकते हो आपको दोनों में से कौन सी ट्रैक्टर अच्छी लगी, मैं जो चला रहा हूँ वो वाली अच्छी है या सिंचन वाली अच्छी है? अरे फ्रैंकी भैया मेरी वाली बढ़िया है यार। अब नहीं यार, ये लोग तो कॉमेंट में जो बताएंगे उसी को हम लोग मानेंगे, बट यार बता ही देना। ये देख सकते हो क्या खतरनाक तरीके से चल रही है और उसके पीछे पीछे सिंचन अपनी ट्रैक्टर लेके आ रहा है। मतलब ये अपनी मेरी नहीं है, ये दोनों सिद्धू मूसेवाला जी की है, उन्होंने ही भाई ऑर्डर करके बनवाई है, इसलिए हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं इन दोनों ट्रैक्टर की। भाई काफ़ी ज़्यादा लाजवाब मेरे को लग रही है। तो अभी हम लोग भाई पहुँचने ही वाले हैं उनकी हवेली पर। उनकी हवेली काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, अगर हमारी पुरानी वीडियोज़ देखते हो तो सब कुछ पता ही होगा। तो चलो यार ये ट्रैक्टर आ चुकी है उनकी हवेली के पास, अब हम लोग फटाफट से पहुंचने ही वाले हैं दोनों के दोनों ट्रैक्टर लेके। भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ना। अरे हाँ फ्रैंकी भैया जल्दी जल्दी चलो। अबे हाँ यार जल्दी जल्दी चलते हैं। गाइस यार ये देखो उनकी हवेली आप लोगों को कैसी लगती है आप कमेंट में जरूर से जरूर बताना। तो चलो यार फटाफट से हवेली के अंदर चलते हैं। और भाई सिंचन तू मेरे पीछे पीछे आ जाना, इधर तो जाए इस वाले गेट से चल जानी चाहिए। हाँ भाई आ गई है ट्रैक्टर अंदर की तरफ। और ये देखो कितनी प्यारी हवेली है, बड़ा सा गार्डन है, बड़ा सा फील्ड है और काफ़ी सारे गाड़ियों का पार्किंग का एरिया है जो कि वहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो। तो चलो यार यहाँ पे हम लोग गड्डी रोकते हैं। सिंचन भी पीछे से आ ही गया होगा, भाई क्या ही बोलूँ। देखो गाइस सिंचन भी आ गया। सिंचन तो बढ़िया है ना। अरे हाँ फ्रेंकी भैया। अबे तूने इंजन बंद भी नहीं किया, चल कोई बात नहीं। गाइस दोनों ट्रैक्टर फिलहाल यहाँ पे आ चुकी है, अभी फटाफट से जाते हैं भाई सिद्धू मूसेवाला जी को बोलते। और ये देखो भाई पार्किंग एरिया में कितनी सारी कार्स का कलेक्शन है भाई, ट्रैक्टर भी है एक नाटी 11 पहले से, बट इन्होंने और दो भाई ट्रैक्टर मंगा लिया है। तो चल यार फटाफट से हम लोग सिद्धू मूसेवाला जी को बोल देते हैं कि उनकी ट्रैक्टर गाइस यार आ चुकी है। जाओ सिद्धू मूसेवाला जी आप लोग भाई अपने ट्रैक्टर देख लो यार, आपकी ट्रैक्टर आ गई है। और यार फ्रैंकलिन क्या बात कर रहे हो, मेरी ट्रैक्टर आ गई है। अबे हाँ यार आपके दोनों ट्रैक्टर मैंने डिलीवर कर दिए, आप फटाफट से जाके देख लो। अरे यार ठीक है जाओ फ्रैंकलिन फटाफट से तुम बाहर जाओ, हवेली को ड्रोन एंगल से सारे लोगों को दिखा दो और फटाफट से दिखा दो। अबे क्या बात कर रहे हो, सारे लोगों को ड्रोन एंगल से दिखाना है? तो चलो गाइस यार फटाफट से मैं आप लोगों को भाई गोकुल धाम सोसाइटी को भी दिखाया मैंने, तो इस वाले को दिखाने में क्या हर्ज है। तो चलो यार फटाफट से आप लोगों को मैं ड्रोन एंगल से सारा कुछ दिखा दे, काफी ज्यादा बढ़िया व्यू मिलता है। तो ये देखो गाइस ड्रोन एंगल से कुछ इस तरह का व्यू मिलता है हवेली का, काफी ज्यादा प्यारा हवेली है। आप लोगों को ये सिद्धू मूसेवाला जी का हवेली कैसा लगता है आप कमेंट में जरूर से जरूर बताना। मेरे को गाइस काफी ज्यादा प्यारा लगता है। और ये देखो पार्किंग एरिया में कितनी सारी ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर है काफी सारी गाड़ियां लगी रहती है, तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये सारे के सारे ट्रैक्टर और भाई साहब गाड़ियां और हवेली भी। फ्रैंकलिन ने मेरे दोनों ट्रैक्टर ले आए, मैंने जैसा बोला था वैसा मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ है ये तो जाके देखने के बाद ही पता चलेगा। चलो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कि मेरी दोनों ट्रैक्टर कैसी मॉडिफाई हुई है, मैंने जैसा सोचा था वैसी हुई है क्या? अरे यार देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अरे यार ये देखो भाई साहब इसका इंजन चालू है, क्या खतरनाक लग रही है, इसके टायर तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, मज़ा आ गया। ये देख सकते हो आप लोग ये वाले ट्रैक्टर और ये वाले ट्रैक्टर मैंने मॉडिफाई करवाने के लिए दिया था, भाई मज़ा आ गया, सबसे बढ़िया ये वाली ट्रैक्टर लगती है मेरे को। आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना कि दोनों में से कौन सी ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मेरे को तो ये वाली सबसे अच्छी लगती है। ये देखो भाई साहब क्या पिकअप है इसका, मैंने इसमें डीजे वाला मोड भी इंस्टॉल करवाया है क्योंकि इसमें बड़े बड़े भाई स्पीकर लगाए हैं, तो डीजे वाला मोड तो बनना बनता है ना। ये देखो आप लोग क्या खतरनाक भाई साहब पिकअप ले रही है, ये देखो भाई मज़ा आ गया, ये देखो भाई क्या खतरनाक लग रही है ना, ये तो डीजे की पहचान होती है। ये देखो मज़ा आ गया ये वाले ट्रैक्टर चला के, ऐसी ट्रैक्टर मेरे को लेनी चाहिए थी। और अगर आप बोलोगे तो और भी काफ़ी सारे ट्रैक्टर हम लोग मॉडिफाई कराएंगे और बनवाएंगे भी, काफ़ी अच्छी लगती है ना ऐसी ट्रैक्टर भाई साहब, मज़ा आ जाता है ऐसी ट्रैक्टर चला के। चलो यार एक काम करते हैं फटाफट से ये वाले ट्रैक्टर को भी चेक कर ही लेते हैं कि ये वाले ट्रैक्टर कैसी है और कैसी नहीं है। ये वाली ट्रैक्टर थोड़ी सी लो क्वालिटी की है उससे, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है पहले से। भाई साहब देख सकते हो मेरे पास तीन ट्रैक्टर आ गई है। ओ भाई ये भी बढ़िया है, इसको मैंने खेती के लिए पर्सनल यूज़ के लिए मंगवाया था
और इसको मैं खेती करने के लिए खेत वगैरह में ले जाऊंगा, बढ़िया तरीके से खेती करूंगा। मज़ा आ गया दोनों ट्रैक्टर चला के। आप लोगों को दोनों ट्रैक्टर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा ये वाला ट्रैक्टर भी और वो वाला ट्रैक्टर भी। चलो यार फटाफट से चलते हैं और भाई इस वाले ट्रैक्टर को इधर पार्क कर देते हैं। और आओ भाई बहुत सारे ट्रैक्टर हैं मेरे पास, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये वाली ट्रैक्टर हो गई मेरी, और दूसरी ट्रैक्टर है नाटी 11। ये देख सकते हो नाटी 11 भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ट्रैक्टर है। मज़ा आता है इस वाले ट्रैक्टर को चला के। इसको भाई जिप्सी भी आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरी जिप्सी और मेरी सबसे फेवरेट महिंद्रा की ये वाली मॉडिफाइड थार। उसके पास मेरे पास मस्टंग जीटी भी है। ये देखो यार मस्टंग जीटी आप लोगों को कैसी लगती है आप बताना। स्कॉर्पियो भी है, ये देखो कितनी प्यारी स्कॉर्पियो S11 है। और उसके बाद ये देखो हमर S2 है, रेंज रोवर भी है, और उसके साथ फॉर्चूनर है, और एक कार है जो कि है भाई जी वैगन, काफ़ी ज़्यादा महंगी 3 करोड़ की। और मेरे पास अभी फ़िलहाल 3 ट्रैक्टर हो गई है। अगर आप लोग बोलोगे तो और भी ज़्यादा ट्रैक्टर का हम लोग गाइजर कलेक्शन करेंगे। ये ट्रैक्टर मेरी अब तक की सबसे फेवरेट वाली ट्रैक्टर है। कैसी लगी ये वाली ट्रैक्टर आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। मज़ा आ गया ना ये ट्रैक्टर चला के, आप लोग बताना भाई बहुत ही अच्छा लगा। चलो चलो आप लोग बताना ज़रूर ये वाला ट्रैक्टर आपको कैसा लगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे आपने हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना। चलो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में।